हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जिनको जिम में गए अभी एक या दो दिन हुए हैं, या जो जिम में जाने के भी सोच रहा है, उनको ये नहीं पता कि मुझे किस लेवल का वर्कआउट अभी फॉलो करना है, तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किसी भी एडवांस लेवल के वर्कआउट को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आप अभी जो हो बिगिनर हो। आपको क्या करना है, जिम में जाने के बाद सबसे पहले 3 से 5 मिनट रनिंग करनी है, फुल बॉडी मसल की स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद आपको हर एक मसल के 2-2 एक्सरसाइज करनी है और उसके 2-2 सेट्स लगाने हैं। जैसे आप फ्री स्क्वाट्स के जो है 2 सेट्स लगा सकते हो, पुशअप्स के आप 2 सेट्स लगा सकते हो, लेग पुल डाउन के आप 2 सेट्स लगा सकते हो, पुली पुश डाउन के 2 सेट्स लगा सकते हो। वैसे तो मैं ये सारी एक्सरसाइज जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आपको जो है पहले 1 हफ्ते तक अपनी जो है कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। कंडीशनिंग मींस आपको जो है हर मसल के 2-2 सेट लगाने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, आपकी जो मसल सोरनेस होगी वो इतनी नहीं होगी कि आप जो है अगले दिन जिम में ना जा पाओ। अगर आपने पहले दिन ही किसी एडवांस लेवल के वर्कआउट को फॉलो कर लिया तो आप अगले दिन जिम में नहीं जा पाओगे। फॉर एग्जांपल, आपने जो है पहले दिन ही अपने लेग्स लगा लिए, अपने वेटेड स्क्वाट्स कर ली 4 सेट, अपने लेग प्रेस के कर लिए 4 सेट, अपने लेग एक्सटेंशन के कर लिए 4 सेट, अपने लंजेस कर ली 4 सेट, तो उससे क्या होगा, आप अगले दिन जिम में नहीं जा पाओगे। इसलिए आपको जो है स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। आपको जो है पहले अपना बेसिक रेडी करना पड़ेगा, यानी आपको पहले कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। उससे आपकी मसल्स को एक एडेप्टेशन हो जाएगी और आप 1 हफ्ते बाद जो है अपना स्पेसिफिक मसल का वर्कआउट कर सकते हो। यानी आप जो है 1 हफ्ते बाद जो है अपना या तो एक मसल कर सकते हो या 2 मसल कर सकते हो। उसके जो है एक मसल के आप जो है 4-4, 5-5 एक्सरसाइज भी कर सकते हो, उसके 4-4, 5-5 सेट भी लगा सकते हो। बाकी 1 हफ्ते तक, जब तक आपकी कंडीशनिंग नहीं होती, जो आपके मसल सोरनेस हुई है जब तक वो आपकी ठीक नहीं होती, आप जो है किसी भी स्पेसिफिक मसल की ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो, क्योंकि आपके सोरनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप जो है अगले दिन जिम में नहीं जा पाओगे। किसी भी एडवांस लेवल को फॉलो करने से पहले आपको जो है अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। और जो ये मसल सोरनेस जो आपके होगी, एक बात ध्यान रखना कि ये किसी भी पेन किलर या मसाज या हॉट पैक या कोल्ड पैक से ठीक नहीं हो सकती। ये बस मसल रिकवरी से ठीक होती है। मसल रिकवरी होगी कैसे, अगर आपकी प्रोटीन डाइट अच्छी है, आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है, उससे आपकी मसल रिकवरी होगी और मसल सोरनेस है जो वो ठीक होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो है मसल सोरनेस को किसी पेन किलर से ठीक कर लूँगा या हॉट पैक या आइस पैक या कुछ भी लगा के या खा के ठीक कर लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप करके देख सकते हो, मसल सोरनेस बस रिकवरी से ठीक हो सकती है। तो ये मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आपको देना चाह रहा था। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों।